और चलो कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों करवा चौथ आ रही है, दिवाली आ रही है, आपने क्या क्या तैयारी की है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज हम अपने गहनों को चमकाने के लिए किसी ज्वेलर के यहाँ नहीं जाएंगे, इंतजार नहीं करेंगे, हम चमकाएंगे मिनटों में, वो भी चाय की पत्ती के साथ। तो सोने में सबसे ज़्यादा जो हमारे गंदी हो जाती हैं वो चैन, जो कि गले में पड़ी रहती हैं और उसमें ज़्यादा मिट्टी भरती है। तो इसी तरीके से ये मेरे पास चैन रखी हुई है जो कि काफ़ी काली लग रही है, और ये देखिए ये भी चैन जैसा ही ब्रेसलेट है छोटा, और ये टॉप्स हैं इसमें भी काफ़ी कालापन आ गया है। तो ये सारी चीज़ों को मुझे साफ़ करना है। ये छोटे बच्चे के कंगन हैं चांदी के और पायल हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम अलग अलग साफ़ करेंगे। अब क्योंकि मैंने पानी रख दिया है तो इसमें 2 चम्मच में चाय की पत्ती डाल रही हूँ। अब यहाँ तो मैं नॉर्मल चाय की पत्ती उबाल रही हूँ, वैसे आप घर में जब चाय बनाते हो तो बची हुई चाय पत्ती से भी ये काम हो सकता है। जैसे बची हुई चाय पत्ती होती है उसको थोड़ा अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद वापस पानी डालकर उसे उबाल सकते हैं। एक और बात, आपके मन में ये टेंशन होगी कि चाय तो अपना कलर छोड़ती है और काला कर देती है, तो गोल्ड और चांदी को चमकाएगी कैसे? बिल्कुल जादू वाली बात होगी, आप ज़रूर देखिए। अब दिवाली से भी पहले आ रही है करवा चौथ, ऐसे में हमें लगता है अपने गहनों को पहनना, अपने जो पुराने गहने हैं उनको चमकाना, तो हम क्या करें? ऐसे में होता ये है जब हम पॉलिश वगैरह करवाने जाते हैं गहनों की, तो यहाँ से जब मार्केट जाते हैं वहाँ तक ले जाने में बड़ी प्रॉब्लम रिस्क हो जाती है, कहीं गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए। दूसरी प्रॉब्लम, हम ज्वेलर को देकर आने में कई बार डरते हैं, इसलिए हम छोड़ देते हैं उसे साफ़ भी नहीं करते। तो आज मैं आपको चांदी के कैसे साफ़ करते हैं, गोल्ड के कैसे साफ़ करते हैं, पहले ये अलग अलग तरीके आपको बताऊंगी। चाय की पत्ती जो है पानी के अंदर बहुत अच्छे से खोल चुकी है, इसे मैं 2 बोल में डाल रही हूँ अलग अलग। दोनों पानी के अंदर मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जो होता है वो डालना है। ये देखिए कैसे रिएक्ट कर रही है चाय के साथ। अब इसमें डालना होगा सर्फ, डिटर्जेंट, जिससे हम कपड़े वगैरह धोते हैं। अब इसमें चेंज क्या है, ये चांदी के सामान सब डाल देने हैं, पायल भी और ये कंगन भी। सोना क्योंकि पीला होता है तो पीले में हमें थोड़ी हल्दी डालनी होगी। इसमें ये चैन डाल देते हैं, ये 2, और ये कान के। एक और बात, मैंने ये ज़्यादा बनाया है क्योंकि कई और भी गहने होते हैं जो हमें साफ़ करने होते हैं। अभी सारे साफ़ करने बैठूंगी तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, तो मैं कुछ ही लाई हूँ ऐसे, है ना। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए हमें रखना होगा, 10-12 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, अब पानी ऐसा है कि हम उसे छू सकते हैं, तो अब हम इसकी सफाई करेंगे। पहले गोल्ड को ले लेते हैं, छोटा सा कोई ब्रश ले लीजिए और इसी सॉल्यूशन से आप इसे रब कीजिए। देखिए बैक साइड से भी ना कितनी मिट्टी लग जाती है ना। अब इसे साफ पानी से वॉश करना होगा। अब आती है चांदी की बारी। इसी तरीके से हल्के हाथ से आपको साफ करना होगा। ये जो बारीक इसमें जालियां होती है ना, उसमें मिट्टी ज़्यादा फंस जाती है, तो ब्रश से हल्के हाथ से आपको करना है जिससे टूटे भी ना और साफ हो जाए। अब दोनों को हमने साफ पानी में डाल दिया है, अब बारी आती है इसे साफ कपड़े से पोंछने की। तो कोई भी आप सूती सा कपड़ा ले लीजिए जिससे आपका ये सोना चांदी जो है ना बहुत अच्छे से पोंछ सके। ये देखिए ये कानों के जो टॉप्स हैं, ये मेरे कम से कम 27 साल पुराने टॉप्स हैं। और एक बात का ख्याल रखें कि हमने इसे उबाला नहीं है, बस गर्म पानी में रखा है। तो देखा ना आपने, ना तो अब आपको कहीं जाना पड़ा, ना कोई रिस्क लगी कि कहीं गिर जाएं या कहीं पर छोड़ के आएं, वो सारी रिस्क होती है, वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई मिनटों में, वो भी 0 खर्चे में। तो जल्दी जल्दी जाइए, चाय बनाइए, चाय की पत्ती को यूज़ कीजिए और गहनों के डब्बे से गहनों को चमका डालिए। करवा चौथ आने वाली है, बहुत ही बढ़िया चमक जाएंगे आपके गहने। और किस किस को बढ़िया सा रिजल्ट मिला मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।